हेलो स्टूडेंट, सपोज कोई रूम के अंदर आग लग गई है और वहाँ पर धुआं भर गया है और वहाँ पर किसी को बाहर निकलना है, तो ये एडवाइजेबल है कि घुटनों के बल पर बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हमने दो कैंडल ली है। एक कैंडल छोटी वाली है जो आपकी घुटनों के बल वाली पोजीशन को शो कर रही है, और एक कैंडल जो है वो बड़ी है, वो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन को शो कर रही है। अब हम ये दोनों कैंडल को जलाएंगे और उसके ऊपर ये जार रखेंगे। इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। फर्स्ट कैंडल जो कि आपकी स्टैंडिंग पोजीशन दिखा रही थी वो बुझ गई है, और जो आपकी घुटनों के बल वाली पोजीशन दिखा रही है वो कैंडल अभी भी जल रही है। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल हमारी स्टैंडिंग पोजीशन को दिखा रही थी उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और वो पहले बुझ गई, और जो हमारी घुटनों के बल वाली पोजीशन दिखा रही है वो कैंडल देर तक जलती रही। तो ऐसे ही अगर हम रूम के अंदर फंस गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है, तो अगर हम घुटनों के बल पर रहेंगे तो हमें ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन मिलेगा और सफोकेशन से बच के हम रूम से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।